लेट्स सी, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या? चलो एक लास्ट सेकंड रुकते हैं, सिर्फ ऑडियो वीडियो का चेक हो जाए। यार हो जाए यार। इंटरनेट की हालत खराब है या जिंदगी खराब है, समझना पड़ेगा भाई। एक तो सुबह 6:30 बजे से उठा के रखा है यार। मैंने बोला था सर को रात को और लग जाग लेते 2 घंटे, नहीं बोले 6 बजे उठेंगे। सच्ची उठ गया मैं सुबह 6:30 बजे भाई, उठाया यार बहुत। वो मैं भी किसी कोर्ट में जाके केस करना चाहता हूँ। मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, रात को सो लेट रहे, सुबह उठ रहे जल्दी रहे हैं। चलो ओके, 1-2 मिनट रुक जाते हैं, लेट एवरीवन ज्वाइन। नहीं, मैं भी केस करना चाहता हूँ। अभी मैं कंफ्यूज, एकाग्रता के ऊपर करना है कि एडवाइजर ऊपर करना है? देख फिर वो देख, एकाग्रता के ऊपर करूंगा तो मेरे ऊपर भी हो जाएगा इंडायरेक्टली, ऐसा सेपरेट लीगल एंटिटी। वाह बेटा वाह। चलो ओके, 1 आधा मिनट और रुक जाते हैं, लेट अस वेट फॉर 1 और 2 मिनट। ठीक है हाँ, 500 करोड़ रुपए। हाँ यार अभी मेरी मजदूरी रुकी हुई है, अभी इतना जो काम किया, अभी आज सुबह भी मेरे से काम करवाया, उसकी मजदूरी भी रुकी हुई है, मेरी दिहाड़ी रुकी हुई है। वो ले लेंगे यार, एक साथ लेंगे। मेरे को क्या, छोटा छोटा पैसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं आज 100 रुपए दिए कल 100 रुपए, नहीं नहीं एक साथ पैसा दो भाई। फेंका हुआ पैसा 500 करोड़ हो तो फेंका हुआ पैसा उठा लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। चलो ओके सरकार, चलो शुरू करते हैं। जस्ट लास्ट 15-20 सेकेंड और रुकते हैं। स्क्रीन एक बार, यूट्यूब वाले एक बार बता दो स्क्रीन क्लियर है क्या? यार वो फिर हल्का सा हो सकता है क्लास प्लस का पंगा हो, यहां से पंगा नहीं दिख रहा है एज फार एज आई नो। ठीक है एज फार एज आई नो, यहां से मुझे पंगा नहीं दिख रहा है। ठीक है मुझे यहां से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, यहां से मुझे एकदम स्क्रीन क्लियर दिख रही है। अभी कुछ लिखा भी नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, अरे अभी कुछ लिखा ही नहीं है तुमको, ऐसी कौन सी स्क्रीन है बेटा जो क्लियर नहीं दिख रही है? अभी लिखा भी कहाँ है कुछ, रिलैक्स रहो बेटा, अभी कहाँ लिखा है कुछ, चिल है अभी। अरे ब्लर है तो रहने दो बेटा उसको, कहाँ लोड ले रहे, अभी लिखने तो दो यार, अभी रुक तो जाओ, क्यों इतने तुम पैनिक हो रहे हो? चलिए सर शुरू करते हैं बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को। हे गाइस, फ्रॉम किशन डॉट, स्वागत, अभिनंदन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार मेरा सब्जेक्ट जो है वो है सेकेंड ग्रुप के अंदर, ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया? अरे भगवान, हे शिट, तभी तो मैं वही पूछूं यार, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ जिंदगी अलग ही चल रही है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन और चलने देंगे उसको, 1-2 दिन के अंदर सारी चीजें सही कर देंगे। हाँ अरे मेरा चेहरा देख के क्या ही होगा बेटा, अरे अब तो हो जाए यार। मेरे को लग रहा है एक अच्छा पंडित कोई किसी के पहचान में हो तो बता देना बेटा, भगवान के पास जाने की जरूरत, आई मीन भगवान नहीं पंडित के पास जाने की जरूरत है। मेरी किस्मत और किसी की लाइफ में भी हुआ कि मेरी क्लास में हो रहा है? हाँ एक बार ऐसे भी चेक कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। अरे ब्लर रहने दो भाई, तुम अभी ब्लर के बारे में मत सोचो, रहे भी कुछ कुछ नहीं लिखना आज तुम लोगों को, क्या लिखोगे आज तुम? रिलैक्स गाइस रिलैक्स। अबे मेरी, मैंने सबका किया था बे, जिंदगी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती यार। 1 सेकेंड, यस ऑल गुड गाइस ओके। हाँ थोड़ा ब्लर है ये सब बोल, हाँ चल ओके चलो ओके सर। अरे तो फिर कोई बात नहीं बेटा, ये वाले अपन चैट्स पढ़ लेंगे, तुम लोग भी ये देखो बेटा, कोई बात नहीं आज के दिन। ठीक है अरे मोए मोए होने दो यार भाई, यहां से एकदम सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? मेरी तरफ से इशू नहीं है, जो भी होगा इशू अपन बाद में निपट लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है चलो अभी शुरू करते हैं बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को। थोड़ा थोड़ा लैग आने दो, अच्छी बात है, लैग अच्छे हैं। ठीक है लैग अगर आ रहा है तो लैग भी अच्छा है, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। ठीक है मुझे सिर्फ 1 सेकेंड एक चीज देखनी है, तो फिर उसकी चैट का क्या होगा, कोई बात नहीं बाद में निपटेंगे, जो होगा बाद में देखा जाएगा। चलिए सरकार तो शुरू करते हैं। देखो भाई मेरा सब्जेक्ट का नाम है FM एंड SM। अब आई नो सबसे पहले हर फैकल्टी को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, एंड आई एम वर्स्ट एज दैट,
ठीक है, क्योंकि अभी तक स्क्रिप्ट आज तक लिख नहीं पाए, स्क्रिप्ट कभी ना कभी जिंदगी में पक्का लिखूंगा मैं, आज अभी भी नहीं लिखी है। बट कमिंग टू द पॉइंट, सब्जेक्ट के ऊपर भी आ जाते हैं थोड़ा सा। मुझे पढ़ाते हुए बहुत समय हो गया, अराउंड 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ। सी ए फाउंडेशन लेवल पे हाईएस्ट ऑल इंडिया रैंक्स जब हुआ करती थी तब सबसे ज्यादा मेरी थी, ठीक है। बाद में तो फाउंडेशन रैंक्स का लफड़ाई हट गया, विच इज ऑल्सो गुड, पर पता नहीं क्यों। चलो एनीवेज, तो फाउंडेशन लेवल पे आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स सिंस 7-8 ईयर्स, एंड एफ एम एंड एस एम आई एम टीचिंग सिंस, अभी इसको भी पढ़ाते हुए 1-2 साल हो गए हैं, ठीक है, बहुत समय हो गया है। लगे क्या, मैं नहीं खेल रहा यार, एक सेकेंड, एक या दो दिन और इश्यूज रहेंगे मैक्सिमम लेवल पे, ठीक है। चलो एक या दो दिन इश्यूज और रहेंगे मैक्सिमम लेवल पे, ऑडियो वीडियो सब बाद में मैच हो जाएगा बेटा, एक नई रिकॉर्डिंग डाल देंगे हम, ठीक है। वॉइस डिले कैसे हो सकती है यार, अब वॉइस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ठीक है, अब वॉइस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। ओके सरकार, चलिए तो सबसे पहले आई थिंक किसी ना किसी पंडित को जाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी पंडित के बाद। एनीवे चलिए सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो पहली बात तो ये ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी सब लोगों ने फाउंडेशन एग्जाम दी है तो मन में चल रहा होगा पहले फाउंडेशन क्लियर हो जाए। अच्छा अगर अगर फाउंडेशन क्लियर हो गई तो जाएंगे सी एंटर ग्रुप 1 में, फिर सी एंटर ग्रुप 1 पास हो गया तो आएंगे सी एंटर ग्रुप 2 में। बट टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, आई एम सीइंग इट ऑन यू नो लाइक जेन्युइनली कह रहा हूँ, 6 सब्जेक्ट है सी एंटर लेवल पे, जिसमें से 2 का आप लोगों ने सुबह से रूप देख लिया है, आई थिंक टैक्स देख लिया है और अकाउंट देख लिया है, ठीक है। आगे आज आप और आई थिंक लॉ ऑडिट कॉस्ट भी देख लोगे, ठीक है। बट टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, 6 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो मैं कहूंगा यू नो लाइक प्रैक्टिकल अप्लीकेबल सब्जेक्ट है, या फिर जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रिलेट होगा, दैट इज FMS। देखो ऑनेस्टली मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट से देखो, अपने बच्चे से और अपने सब्जेक्ट से सबको प्यार होता है, तो भाई मुझे FMSM से बहुत प्यार है, उसमें 1% भी डाउट नहीं है। लेकिन अब ऐसे तो भाई मेरी LLB भी है ना, तो मैं लॉ भी तो पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें करी है जिंदगी में, तो बहुत सारे सब्जेक्ट है पढ़ाने के लिए। तो बट स्टिल वाई यू नो लाइक जिंदगी FMSM पे आके अटक गई, उसके पीछे रीजन है, धंधा करना है ना अगर जिंदगी में, बिजनेस करना है ना, तो आपको ना समझ में आना चाहिए। एंड फॉर मी, मैं बहुत सिंपल तरीके से कहता हूँ, फॉर मी एज फार एज माई नॉलेज, FMSM इज अ स्टडी अबाउट लर्निंग अबाउट मुकेश अंबानी। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आई होप यू नो दैट, ठीक है। सो मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, इन दो लोगों के बारे में पढ़ने को कहते हैं FMSM। नाउ वेरी सिंपली, अभी इन दो लोगों का नाम क्यों, देखो एक आदमी जो है, गाइस आज के दिन एडजस्ट कर लो, ऑनलाइन वालों सिर्फ आज के दिन एडजस्ट कर लो, जो पंगा है जो समस्या है सिर्फ आज एडजस्ट कर लो, आज सारी की सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास फ्रॉम आर, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास वी आर टेकिंग फ्रॉम आर क्लास, तो सिर्फ एक दिन और रुक जाओ, बाकी सारी चीजें आई प्रोमिस एक दिन के अंदर हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्योंकि करनी मेरे को ये तो कर देंगे। चलो मूविंग टू द टॉपिक, सर मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी के बारे में पढ़ना क्यों है? अच्छा मुकेश अंबानी की नेटवर्क कितनी किसी को पता है? अरे यार, अच्छा इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? फिर से अड्डानी, अड्डानी बेटा, अच्छा सबसे लंबे समय तक कौन रहा है? मुकेश अंबानी, लेट्स सी, ठीक है, अंबानी नेटवर्थ, भाई की नेटवर्थ कितनी है आइए देखते हैं। सर भाई की नेटवर्थ है $104 बिलियन। अच्छा सबको जिंदगी में आज ही प्रॉब्लम निकालनी है क्या? अभी क्लास लेके आया हूं मैं अंदर, अभी क्लास लेके आया हूं, वो भी FMSM की, कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी ले रही है आज, कोई बात नहीं, लेने देते हैं। तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ कितनी है बेटा? $104 बिलियन। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में तो समवेयर अराउंड, ज्यादा नहीं, गरीब आदमी थोड़ा सा, 9-9.5 लाख करोड़ रुपए बस, ठीक है। ऑनेस्टली माँ कसम मुझे नहीं पता कि 9-9.5 लाख करोड़ में कितने जीरो होंगे, आई होप किसी को नहीं पता होगा, और हमारे जो कैलकुलेटर है उनकी औकात भी नहीं है, है ना, कोई बात नहीं, इसे कह देखो तभी हम गरीब है ना, हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं होता बड़ा, बट ठीक है। सो अब किसी ने कहा गौतम अड्डानी, भाई गौतम अड्डानी की नेटवर्थ है सिर्फ $77 बिलियन, ये गरीब आदमी छी भाई, कहां मुकेश अंबानी
और कहां गौतम अडानी। अच्छा मूविंग अहेड, सो मैं क्यों कहता हूं स्टडी अबाउट द अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, यू नो व्हाट, 2002 में रिलायंस ग्रुप मतलब जो धीरूभाई अंबानी थे, जो धीरूभाई अंबानी मतलब इन सबके पापा थे पिताजी, वो एक्सपायर हुए थे 2002 में, ठीक है। तो 2002 में वो एक्सपायर हुए, फिर दोनों भाई, अच्छा एक ही गलती करी धीरूभाई अंबानी ने, वो ये थी कि विल नहीं बना के गए, मतलब प्लानिंग नहीं करी, जिसे कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। जैसे आज मुकेश अंबानी की बात करोगे तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों में प्रॉपर्टी को सारी चीजों को कैसे बांटना है वो सारी चीजें आज डिजाइन कर दी है। धीरूभाई अंबानी जी की सिर्फ एक ही गलती मानी जाती है कि उन्होंने सक्सेशन प्लानिंग नहीं करी। नाउ जब सक्सेशन प्लानिंग नहीं हुई तो दोनों भाई है, दोनों भाई लड़ते मरते, ठीक है। तो 2002 से लड़ाई चालू हुई, 2005-06 तक लड़ाई चली, 2005-06 में उनकी माताजी कोकिला बहन जी आई बीच में और उन्होंने प्रॉपर डिवीजन कर दिया, ये तेरा ये तेरा ये तेरा ये तेरा, दोनों भाइयों में प्रॉपर डिवीजन हो गया, दोनों भाई खुश थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, दोनों भाइयों के अंदर डिवीजन हो गया, सारी चीजें एकदम सेटल डाउन हो गई। प्रॉब्लम पता है क्या है, 2006 में या आई शुड से 2008 में अनिल अंबानी वॉज इंडियाज रिचेस्ट पर्सन एंड ही वॉज वर्ल्ड सिक्स्थ रिचेस्ट पर्सन। मतलब 2008 में भाई उस ऊंचाइयों को छू रहा था जिस बारे में मैं बचपन से सपना देख रहा हूं। खैर वो वर्ल्ड रिचेस्ट नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, बट ठीक है, बंदे ने अच्छा काम किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बनना, सोच के देखो क्या पावर रही होगी। मतलब जब मैं कहता हूं ना दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मतलब तुम थोड़ा समझो, तुम्हें चार फ्लोर चल के नहीं आना है, तुम्हारी अलग से लिफ्ट लग रही है, तुम रोड पे चल रहे हो ना बेटा, सिर्फ जब हॉस्पिटल से जब उनका पोता निकला था ना, 36 गाड़ियां निकली थी, 36 गाड़ियां, 36 कार्स, जिसमें से रेंज ओवर भी थी यार। मेरा सपना है भाई के सिक्योरिटी गार्ड बॉडी गार्ड इंटरव्यू में घूम रहे। सो दैट इज नोन एज वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, अपनी गरीबी है लेकिन कोई बात नहीं, समझेंगे। अनिल अंबानी वर्ल्ड के सिक्स सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए और इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन आदमी थे 2008 के अंदर। अच्छा कोई जानता है आज वो कहां पर है, बैंकर। तुम्हें पता है उन्होंने कोर्ट में कहा कि उन्होंने उन्हें कुछ किस्त चुकानी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने एडवोकेट की फीस भी मेरी वाइफ की ज्वेलरियां बेच के लिए दे रहा हूं। मतलब फ्रॉम दी वर्ल्ड या इंडिया रिचेस्ट पर्सन टू बैंकर। एंड ऑन द सेम टाइम मुकेश अंबानी ने क्या किया, बॉटम से भाई टॉप पे आया। नाउ सर ये बात तो हमें पता है, थोड़ी बहुत तो किसी ने सुनी होगी। नाउ फिर मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि एफएम जस्ट स्टडी अबाउट द मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर इन सब लोगों ने ना दो काम किया, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी आज, हाँ जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आज मैं, मेरा मेन काम क्या है, टीचिंग, सो आज मैं टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने मान लो छोटा सा होटल खोल दिया साइड में, तो वो क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन। मान लो मैंने बोला एक काम करो यार, अपन एक काम करते हैं, अपन एक आईटी कंपनी भी खोल देते हैं, दैट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। ज्यादा लगे क्या, एक बार यूट्यूब वाले कमेंट करके बता देना प्लीज, आज के दिन एडजस्ट कर लो थोड़ा बहुत, प्लीज आई रिक्वेस्ट। चलिए क्लास में सोलो तुम भी बता देना, ठीक है। मूविंग अहेड सर, क्या अनिल अंबानी ने भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत किया क्या? सर अनिल अंबानी ने बहुत डाइवर्सिफिकेशन किया, फॉर जस्ट योर इन्फॉर्मेशन, एक जैसा अभी आईनॉक्स पीवीआर जानते हो ना, वैसे एक बिग सिनेमा करके हुआ करता था, दैट वॉज ओन बाय अनिल अंबानी। भाई अनिल अंबानी, तुम यू नेम इट दे हैव इट, अनिल अंबानी हर दूसरी इंडस्ट्री में था। क्या आज मुकेश अंबानी भी हर दूसरी इंडस्ट्री में क्या? हाँ अरे यार चलो एग्जाम्पल देते हैं, नायका का नाम सुना है, नायका का कॉम्पिटिशन टीरा लॉन्च किया, एयरटेल का नाम सुना है, उसका कॉम्पिटिशन जियो। भाई जियो तो भाई फोड़ चीजें फोड़, क्या बनाया फ्री में लाके, सोच के देखो। अच्छा उसके बाद नेटफ्लिक्स को कॉम्पीट करने के लिए जियो सिनेमा आ गया। अबे लैपटॉप मोबाइल क्या छोड़ा, हॉटस्टार को खरीदने की बात चल रही $10 बिलियन में। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या मुकेश अंबानी भी हर जगह क्या? हाँ सर, लेकिन सर ये तो क्या डाइवर्सिफिकेशन, दिस इज समवेयर अ पार्ट ऑफ एसएम, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट ना। सर प्रॉब्लम पता है क्या, डाइवर्सिफाई हर आदमी करता है, डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या चाहिए? अरे यार धंधा करने के लिए क्या चाहिए यार, तुम ऐसे मत एक्सप्रेशन दो यार, धंधा करना है भाई यार, मेरे को आज बिजनेस खोलना है, मुझे क्या चाहिए भाई, ये क्लासरूम बनाई क्या, क्या किया हमने, पैसा। देखो द होल थिंग इज दैट भैया, देखो ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा
ये सच है। जिसने ये सच समझ लिया वो जिंदगी में बहुत आगे है, जिसने नहीं समझा वो कहता है पैसा तो मोह माया है। ठीक है, हाँ मैं कहता हूं ठीक है, पर देखो मेरा बहुत स्ट्रॉन्गली मानना है। मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा था बिफोर यू बिकम फिलोसोफर बिकम रिच, एंड आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट। कमिंग टू द पॉइंट सर, क्या चाहिए? देखो सर, डाइवर्सिफिकेशन किया, डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहां से आ सकता है बताओ मुझे तो, कमेंट में करके बताएंगे, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बताएंगे सर पैसा कहां से आता है। वैसे अभी स्क्रीन के भी तुम लोगों को भी जरूरत नहीं है, पैसा आता कहां से जल्दी बताओ? इन्वेस्टर देता है। देख इन्वेस्टर एक बहुत छोटा सेगमेंट है। इन्वेस्टर क्या दे रहा है? इक्विटी दे रहा है, डेट दे रहा है, उसे कहते हैं पैसा। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। देखो सुनो 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 सुनो, एक बात बहुत प्रैक्टिकल करते हैं। मैं आज तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, 20 दिन पढ़ाऊंगा, उसके बाद 6 महीने बाद पढ़ाऊंगा, तो बीच में तो हमारा कोई मेल मिलाप है नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको हम उस लेवल पे टच करेंगे जो आपको इंटरेस्ट डेवलप करेगा। देखो सीधी बात बता रहा हूं, अगर तुम्हें जिंदगी में धंधा करना है तो तुम्हें FMSM आना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में जॉब में बहुत पैसा कमाना है, अच्छा कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं जॉब में पैसा नहीं है। सुंदर पिचाई का नाम सुना है? भाई 300 करोड़ छाप रहे हैं साल का। मैं रेडी हूं, मैं जा रहा हूं उठा ले मेरे को, मैं अभी आ रहा हूं। समझने की कोशिश करो, 300 करोड़ एक साल का छाप रहा है सत्य नाडेला। अभी सब नौकर तो है भाई, वो अल्फाबेट का वो जॉब में तो कर रहे हैं, सीओ तो जॉब ही है ना, इट इज नथिंग बट जस्ट जॉब। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, नॉट जस्ट टेल मी वन थिंग। धंधा करने के लिए क्या चाहिए बेटा? पैसा। वैसे जीने के लिए पैसा चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। पैसा लाने की कितने तरीके होते हैं ये बताओ? शेयर होल्डर पार्ट्स एंड बोरोड मनी। अच्छा इसे अरे यार देखो तुम लोगों ने थोड़ा तो अकाउंट चौकाउंट पढ़ा होगा ना यार। बैंक लोन, चलो ठीक है। और डिबेंचर्स, ठीक है। इक्विटी, हाँ अब ऐसे वर्ड चाहिए अपने को। और देखो इस पूरे ब्रह्मांड में असली में पैसा सिर्फ दो तरीके से आता है, ठीक है। पहला होता है डेट एंड दूसरा होता है इक्विटी। अच्छा डेट मतलब क्या होता है? लोन। अच्छा मैं बॉन्ड लूंगा तो डेट का पार्ट है क्या? सुनो मैंने इसको ला यार भाई प्लीज यार 100 रुपए दे दे, मैं देखो बाद में दे दूंगा, प्लीज भाई 100 रुपए दे दे। इसने मेरे को 100 रुपए दे दिए, क्या वो डेट का पार्ट है कि इक्विटी का पार्ट है? मैंने कहा मैं तुझे बाद में पैसा लौटा दूंगा, वो क्या पार्ट है? डेट है। अच्छा मैंने कहा एक काम कर यार, देख मैंने मैंने बोला मैंने कहा एक काम कर, सुन 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 इधर इधर। मैंने कहा देख एक बहुत बढ़िया आइडिया है। इसने बोला क्या आइडिया है? मैंने कहा एक बहुत बढ़िया आइडिया है, अपन ना बिजनेस खोलते हैं। बोले ठीक है बिजनेस खोलते हैं, किसका खोलते हैं? मैंने कहा चलो अपन चाय बनेंगे। चाय 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 एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो बोले नहीं नहीं ऐसे, ये तो क्या है एक वो है ना जिसे बोलते ना काफी काफी ऐसा, मतलब मेरा ड्रीम था बचपन में कभी चाय बेचने का, ठीक है। बाद में चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, कंपैरिजन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कमिंग टू द पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक आदमी अगर चाय बेच रहा है, मैंने बोला चाय बेचते, इसने बोला ठीक है चाय बेचते। मैंने कहा चलो चाय बेचते, हम जितने भी ट्रैफिक सिग्नल है वहां पे चाय बेचेंगे। डिसीजन हो गया, अब पैसा चाहिए। बोले कितने रुपये का खर्चा है? मैंने कहा 1000 रुपये का खर्चा है। बोलता है ठीक है 500 में लेता हूँ, 500 आप लो। अब हम दोनों ने 500-500 मिलाए, हम दोनों की जो हिस्सेदारी 50% आ गई, ये इक्विटी है डेट है? मतलब जब कोई मेरे साथ रिस्क लेगा क्या वो इक्विटी है क्या? और जब मैं किसी को फिक्स ब्याज दूंगा वो डेट है क्या? देखो अभी हम सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे, सुनो सुनो सुनो, अभी तक मैं एफएमएसएम तक गए नहीं हुआ, अभी तो अपन बहुत ऊपर है। तो मैं सोचता हूँ सर इसका, अरे ये सारे सब्जेक्ट में यही होने वाला है। हम चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर करें, हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन वहां से पहुंचने से पहले भी तो कुछ ज्ञान देना पड़ेगा ना भाई। मैं डायरेक्ट बोलूंगा अरे प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है, देखो डिवेंचर होता है, चलो पढ़ लिया बात खत्म, बाय बाय सी टिक, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, अपने को चीजों को पढ़ना है। पर सर असली में तो देखो चार तरह से पैसा होता है और आपको चारों मेथड पता होगी आई एम श्योर। सर पहली मेथड कौन सी पढ़ी हमने? डेट पढ़ी। दूसरी कौन सी पढ़ी? इक्विटी पढ़ी। क्या कभी प्रेफरेंस शेयर का नाम सुना है? हाँ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है सर? जिन्हें हम प्रेफरेंस दे रहे हैं वो प्रेफरेंस शेयर है। अरे नाम में लिखा हुआ है, जिन्हें हम इक्विटी से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वापस से बोलेंगे क्या? एक बार बोलेंगे सब लोग, जिन्हें हम इक्विटी से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर। बोलो हाँ ना। एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। सुनो ये चार तरह से ना असलियत में पैसा आता है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर बॉन्ड रह गया, सर डिबेंचर रह गया, अरे सब डेट के अंदर है बाबा। सर आईपीओ? इक्विटी। अच्छा आईपीओ क्या होता है?
थैंक यू सो मच फॉर द फुल फॉर्म, आपका एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। मतलब क्या होता है, क्या डेफिनेशन भाई, डेफिनेशन भी रहते हैं, मतलब बताओ, मतलब हिंदी में एकदम शॉर्ट में सिंपल क्या हो गया भाई, जब पहली बार कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो उसे क्या कहते हैं, आईपीओ। जैसे एग्जांपल के लिए अभी अभी टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ है क्या? अरे तुम लोग आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हो गए? चलो भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिंदगी में मतलब वो एक्चुअली बोलते हैं ना, वो शेयर मार्केट अकेले एक ऐसा कुआ है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच है। बट एनीवेज, पेटीएम का नाम सुना है? पेटीएम अभी शेयर मार्केट में आया था। तो जब भी कोई शेयर पहली बार लिस्ट होता है, सुनो, जब भी कोई शेयर पहली बार लिस्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अरे बोलो रे, आईपीओ का मतलब क्या होता है, जब भी कोई शेयर पहली बार, अच्छा सेकेंडरी, मतलब अब इसमें सेकेंडरी प्राइमरी बाकी सारी बातें डिस्कस करते रहेंगे। तो मतलब जब भी कोई पहली बार शेयर होता है उसे आईपीओ कहते हैं। हाँ सर। अच्छा अगर मेरी कंपनी एग्जाम्पल के लिए जतिन निर्मला लिमिटेड है ना, पैसा बहुत है अपने पास, मैंने कहा है मार्केट से 1,000-2,000 करोड़ रुपए रेज कर लेते, क्या ही रखा है। तो मैंने 2,000 करोड़ रुपए के लिए आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया, सेबी ने मुझे अप्रूवल भी दे दिया, मैंने अपना आईपीओ लिस्ट भी कर दिया, ठीक है। अब मेरी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, मुझे और पैसा चाहिए, अब बताओ क्या करूं। अब होता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, मतलब ऑलरेडी लिस्टेड है शेयर मार्केट में और पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा है, मैं पहली बार मार्केट में लिस्टेड हूं, लेकिन मुझे अगर और पैसा चाहिए तो उसे क्या कहते हैं, एफपीओ। लिखने की मतलब ये सब चीजें अभी अपन एकदम रफ डिस्कशन करें, ठीक है। अभी देखो मुझे तुम्हें उस सब्जेक्ट तक लेके जाने, जैसे मैं इसको बहुत सिंपल तरह समझाता हूँ, पिज्जा होता है ना, तो पिज्जा का बेस अलग बनता है और ऊपर की वेजिटेबल्स अलग बनती है, ठीक है। तो पहले बेस बनाना पड़ता है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है ना, किसी बिल्डिंग की नींव स्ट्रॉन्ग है ना, तो बेटा बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। वैसे ही पिज्जा का बेस अच्छा है ना, तो कुछ भी टॉपिंग लगा दो, कच्ची सब्जियां भी डाल दोगे तो वेजिटेबल पिज्जा हो जाएगा वो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, तो अगर शेयर मार्केट की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर किसी कंपनी ने लिस्ट किया तो उसे क्या कहते हैं, आईपीओ। अगर कोई लिस्टेड कंपनी तो उसे क्या कहते हैं, एफपीओ। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब इस बात को समझते हैं सर, इसे ये किसके अंदर आता है सर, आता है इक्विटी के अंदर। मतलब तुम मुझे खून पे चल गया, तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें हिस्सेदारी दूंगा, ये किसका पार्ट है, दिस इज नोन एज इक्विटी। तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें हिस्सेदारी दूंगा, इसे क्या कहते हैं, इक्विटी। अच्छा क्या प्रेफरेंस शेयर भी होता है क्या? हाँ सर। मतलब देखो प्रेफरेंस शेयर नाम से समझ में आ रहा है, जिन्हें हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। अच्छा अगर पैसा बांटने की बारी आएगी, डिविडेंड बांटने की बारी आएगी, तो पहले किसको देंगे, इक्विटी को कि प्रेफरेंस को, किसको देंगे भाई? अच्छा अगर मान लो कंपनी बंद हो गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, अब जब कंपनी लिक्विडेड होगी तो पहले पैसा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, बाद में पैसा इक्विटी को मिलेगा, यस और नो? अरे प्रेफरेंस शेयर मतलब मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं, यस और नो? अच्छा अब एक होता है रिटेन्ड अर्निंग, सीधी बात, मेरा प्रॉफिट मैंने कंपनी के पास रिटेन्ड कर लिया। भाई मेरी कंपनी है 1,000 करोड़ रुपए का उसने फायदा उठाया, इस साल का मेरा प्रॉफिट कितने का है? देखो छोटी मोटी बातें मत करो, सोच रहे हो तो 1,000 करोड़ सोचो, होना तो 100 रुपए ही है, सोचने में क्या रखा है, सोचना तो बड़ा चाहिए ना अपने को। तो मेरी कंपनी है जिसका प्रॉफिट कितने का है, 1,000 करोड़ रुपए का। अब मैंने क्या किया, मेरे को डिविडेंड बांटना है, मैंने ना 400 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांट दिया और 600 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए फॉर बिजनेस एक्सपांशन। मुझे बताओ ये 600 करोड़ रुपए क्या मेरे रिटेन्ड अर्निंग हो गए क्या? अरे मैंने मेरी अर्निंग को रिटेन्ड कर लिया, नाम समझ में आ रहा क्या? हाँ सर। तो बेसिकली इस पूरे ब्रह्मांड में चार तरीके से पैसा आता है, सबसे रिस्की मेथड कौन सी है इनमें से, मन से सोचो। अच्छा सोचो एक बार, दिमाग में लगो, तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा रिस्क कहां पे होगी? इक्विटी में रिस्क होगी? नहीं नहीं, नॉट थिंक लाइक इन कंपनी परस्पेक्टिव, तुम सोच रहे हो इन्वेस्टर, गरीबी से हटो, कब तक गरीबी में रहोगी, थोड़ा ऊपर सोचो। धंधा खोल रहे अपन भाई, अपन ये धंधा खोलने बैठे हैं, अब तुम धंधा खोल रहे हो, अब तुम्हारे लिए तुम्हारे किससे डर लगेगा, इक्विटी से कि डेट से? सर हमेशा डेट से डर लगता है, क्यों? क्योंकि डेट में मुझे क्या फिक्स पैसा देना पड़ेगा क्या? हाँ सर, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। सुनो 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 सुनो, मेरी कंपनी ने इस साल 1,000 रुपए का प्रॉफिट उठाया तो सर मैं डेट दे दूंगा। एग्जाम्पल समझो, अगर मेरी कंपनी लॉस में गई तो भी देना पड़ेगा, और मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो अरे मेरी कंपनी को लिक्विडेट कर देंगे, मेरी कंपनी को नीलामी कर देंगे, बेच खाएंगे साले, साले नहीं कहना चाहिए, जो भी है मेरी कंपनी को बेच खाए, सर नुकसान हो जाएगा ना भाई। तो क्या डेट से मेरे को डर लगता है क्या?
देखो लेकिन जिससे डर लगता है उसी से तो प्यार करते हैं, तो डेट का फायदा भी बहुत है, आगे जाके डिस्कस करेंगे। जैसे पापा से डरते ना पर पापा से प्यार तो करते ना, वैसे ही डेट से डरते भी हैं लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। सर प्यार क्यों करते हैं? सस्ता होता है, टैक्स में फायदा देता है। अभी इतनी भारी भारी बातों को अपन धीरे धीरे करेंगे, एक साथ में अगर ज्यादा डाल दिया तो उल्टे लोटे पे पानी डालने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो सर क्या हो गया डेट मतलब क्या हो गया? सर अच्छा है क्या? देखो दाग अच्छे हैं, डेट भी अच्छे हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। देखो अच्छाई बुराई सब में होती है, तुम में भी होगी बुराइयां, अच्छाई तो पता नहीं बुराई तो भूल जाएगी, ठीक है। सो मूविंग अहेड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट हमारी अब कमिंग टू द पॉइंट, सर मुकेश अंबानी ने डेट उठाया कि नहीं उठाया? सर मुकेश अंबानी ने भी लोन उठाया। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, ठीक है, व्हाई? सर मुकेश अंबानी ने डेट उठाया कि नहीं उठाया? बहुत उठाया। कितना लोन है पता है किसी को मुकेश अंबानी के ऊपर? 2,15,000 करोड़ रुपए। इसमें मतलब मेरी जिंदगी तो आराम से निकल जाएगी, जस्ट इमेजिन 2,15,000 करोड़। देखो लाख हजार करोड़ तीनों साथ में है, ऐसा अलग अलग नहीं है, ठीक है, तो ये कंबाइंड है, इसके जीरो पे मत जाना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्या वो लोन अनिल अंबानी ने उठाया होगा क्या? हाँ सर, लेकिन हम लोन तब उठाते हैं जब हमें गारंटी होती है कि हमें उतना पैसा मिल जाएगा। सो हमें समझना पड़ता है कि हमें कब लोन उठाना है, कब इक्विटी उठानी है, अच्छा इक्विटी में कब प्रेफरेंस उठाना है। अच्छा ये जो स्टार्टअप है, ये जो छोटे मोटे आजकल चलते रहते हैं, बायजूस का एग्जांपल ले, $22 बिलियन की वैल्यूएशन थी, $22 बिलियन कुछ हफ्तों पहले या कुछ दिनों पहले सॉफ्टवेयर ने उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन कर दी। पता है कंपनी लॉस कितने करती है एक साल में? 8,000 करोड़, 5,000 करोड़ ये लॉस है, रेवेन्यू नहीं है। अरे तुमने कमाया ही नहीं, तुम रिटेन अर्निंग क्या खाक करोगे भाई? रिटेन अर्निंग किसकी होती है? जिसका प्रॉफिट होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो सर यहां पर अनिल अंबानी ने क्या गलतियां करी उन्हें समझना, और मुकेश अंबानी ने क्या सही किया उसे समझना, एक्चुअली में इससे ही FMSM कहते हैं। हम लोग यहां पर क्या डिस्कस करेंगे? हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि सर डेट तो अच्छा है लेकिन कितना और कब। सर इक्विटी तो मस्त है, इक्विटी में रिस्क डिवाइड होती कि नहीं होती है? सुनो आज मेरे पास इक्विटी के, मान लो दो मिनट के लिए, जेट एयरवेज का नाम सुना है क्या? तो मेरे पास ना जेट एयरवेज के मान लो 1,000 शेयर है, कल कंपनी बर्बाद हो जाए मैं कुछ कर पाऊंगा? कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। कंपनी बर्बाद हो गई, मैं ही बर्बाद हो गया, बाढ़ में जाए दुनियादारी, समझो तुम्हारे लॉस में तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नत तेरे साथ हो, तेरे लॉस में मेरे लॉस हो, बाकी तो निपट ही लेंगे, ठीक है। तो क्या इक्विटी में मुझे लॉस है क्या? हाँ सर। अब सुनना इक्विटी में टेक्निकली, अच्छा एक और चीज समझो ना, सुनो, एक और लास्ट चीज, ज्यादा नहीं जाएंगे बस। सर इक्विटी अच्छी है कि बुरी है? ज्यादा इश्यू कर दी तो ये बात, तुम्हें पता है एक कंपनी है जिसके साथ हम पहले एसोसिएटेड थे, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, या कोई भी किसी भी स्टार्टअप की बात कर लो, तुम्हें पता है बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ओपन है, चैट जीपीटी का नाम सुना है? सबने सुना है। चैट जीपीटी का सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन इज द सीईओ ऑफ द कंपनी। तुम्हें पता है उसकी कंपनी, मतलब सीईओ है उसकी कंपनी से उसी को बाहर निकाल दिया था क्योंकि बंदे के पास इक्विटी नहीं थी। मुकेश अंबानी ने 50% की इक्विटी क्यों मेंटेन करके रखी है? कि पावर किसकी? भाई की, समझो। छोटे आदमी, मतलब छोटा आदमी अपने को डिस्कस नहीं करना चाहिए छोटे लोगों की बात अपनी क्लास में, बट ठीक है, ऐसे छोटे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए अपनी क्लासेस में डिस्कस होने का, है ना। भाई ने दिमाग क्या चलाया? 50% से ज्यादा स्टेक अपने पास रखा। क्या इससे किसी और की चलेगी? क्या नहीं चलेगी। ये जो स्टार्टअप है छोटे मोटे, आजकल ये नए नए स्टार्टअप आ जाते हैं, तुम्हें पता उनके फाउंडर्स के पास कितनी परसेंट इक्विटी होती है? 5%, 10%, 15%। किसी भी दिन इन्वेस्टर उठेगा, नींद में से लात मारेगा, भगा देगा, क्या उखाड़ लेगा कोई भी? भाई फोन पे इज द बेस्ट एग्जांपल। उसके फाउंडर को बाहर किया था कि नहीं किया था? क्यों कर पाए बाहर? तुम करके दिखा दो हमको एकाग्रता से बाहर, मान लेंगे। भाई एकाग्रता किसकी है? हमारी है ना, हमने स्टेक कंट्रोल किया ना। आज आप सोच के देखो, आज हमको एकाग्रता से बाहर कर सकता क्या? कर ही नहीं सकता भाई, हमारी कंपनी है ना सर। लेकिन फोन पे के बंदे को बाहर कर पाए कि नहीं कर पाए? क्यों कर पाए? इक्विटी ज्यादा डाइल्यूट कर दी। सर प्रॉब्लम क्या है? आपने ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट करी तो आपकी ज्यादा ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है, और अगर ओनरशिप ज्यादा ट्रांसफर हो गई तो राइट चले गए, जिंदगी बर्बाद है। फिर तुमने कंपनी नहीं बनाई, तुम उस कंपनी का नौकर हो। वी हैप्पी विद द नौकर, तुमको लग रहा है वाह आई एम द फाउंडर, नाम के आगे से फाउंडर लिखाएगा लेकिन उसके ब्रैकेट में लिखाएगा नौकर। ये सब क्या है?
यही सब एफएम है ब्रो, हम ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम कहां सीखते हैं? अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, चलो लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, सच बात करेंगे ना, झूठ में ऐसे कम बोलते हैं। क्या हर वो बच्चा जो भी क्लास देख रहा है वो सीए बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। अरे तुम तुम्हारे ऊपर मत लो ना, हर बच्चे की बात चल रही ना, देखो तुम भी तुम्हारे ऊपर मत लो, ठीक है ना, ऐप वाले लो ना यूट्यूब वाले लो, मैं कह रहा हूं हर बच्चा, तुम तुम्हारे पड़ोसी को देख लो, ठीक है, मत देखो रे, विश्वास उठ जाएगा दुनिया से। तो मुझे एक बात बताओ, तुम दुनिया के बारे में सोचो, क्या हर बंदा सीए बनेगा क्या? नहीं बन, अरे यार तुम्हें पता है, चलो सीए इंटर का रिजल्ट कितना होगा, 20% के आसपास मान लेते, ठीक है, अभी कितना परसेंट आता बेटा, 10-12 पर लो यार, तुम लोग इतना दिल पे मत लो यार, तुम लोग यार, मैं तुमको प्रूफ करूंगा यार, तुम, मैं हर चीज के ऊपर एक बेसिक एग्जांपल दे सकता हूं, तुम इसे दिल पे मत लो, एक सेकंड, यहाँ पे इंटरनेट ऐसा है कि ज्यादा गम हो जाएगा, एक सेकंड मैं अपने फोन में देख लूंगा, रहने दे तो, हट। हाँ यार सर, सीए इंटर में इस बार पता है 16% बच्चा पास हुआ था ग्रुप वन में, 19% बच्चा पास हुआ था ग्रुप टू में, और 9.73% बच्चा पास हुआ था बोथ ग्रुप के अंदर, ठीक है, मतलब क्या हर बच्चा सीए बनेगा क्या? अरे सच बोलो ना, हर बंदा सीए बनेगा क्या? सर नहीं बनेगा, ये बात कंफर्म है क्या? अब सिर्फ इतनी, हाँ अब सिर्फ मेरी इतनी सी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी सिर्फ इतनी सी बात को ध्यान से सुनना, अरे तू छोटू इतनी स्लो क्यों चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, स्क्रीन को बाहर में जाने दो। अब मुझे बताओ, लेकिन क्या हर बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा? हो सकता है खुद का बिजनेस करे, और अगर खुद का बिजनेस करेगा तो क्या उसे फाइनेंस समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या उसे धंधे की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एसएम पता है क्या बोलता है, एसएम बोलता है धंधा करने का तरीका होता है। तुम एक बात बताओ, तुम अभी क्लासरूम में बैठे हो, सिंसियरली यहाँ पे 5 स्क्रीनों को हम लोगों ने इंस्टॉल किया, पॉकेट में एक दीवार अच्छी वाली हो रही थी, प्लेन कलर करते सस्ते में निपट रहे थे, पॉकेट में उंगली करके 3 कलर करे, वो उसमें लिखा वी कैन फॉल बट वी कैन नेवर फेल। इंदौर में एसी का कल्चर नहीं है, एसी क्लासरूम या कहीं लगी हुई भी है, मतलब अभी हम लोग कुछ बैठे हुए थे, मैंने उस दिन उनसे पूछा आपके क्लासरूम में एसी है, बोलते हाँ है, मैंने कहा सॉरी मेरा गलत क्वेश्चन, क्या आप क्लासरूम में एसी चलाते हो? वो हंस दिए। कहने का मतलब पता है क्या, कहने का मतलब ये है आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रखना पड़ता है अपने कंप्यूटर के ऊपर। देखो सुनो, आज मैं तुमको एफएमएस पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अकेला पढ़ा रहा हूं इस दुनिया में? नहीं, पढ़ाने वाले तो बहुत सारे, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, जब अपन पढ़ रहे हैं तब रियलिस्टिक एग्जांपल देने पड़ेंगे। मैं क्यों अनिल अंबानी मुकेश अंबानी को लेकर आ रहा हूं बीच में, एक्स वाई थोड़ा लेकर आ रहा हूं, जब अपन बात कर रहे हैं अपन 5 मिनट के अंदर कुछ बैलेंस शीट पे जाएंगे, 5 मिनट के अंदर जाएंगे अपन कुछ बैलेंस शीट के ऊपर, सो अपन क्यों जा रहे हैं, जरूरत है क्या? नहीं, मॉडल में देखकर क्या? नहीं, लेकिन मुझे भी तो स्ट्रेटजी में एडवांटेज रखना है कि रखना है। तो एसएम पता है क्या बोलता है, एसएम बोलता है आपको आपके धंधे का स्ट्रांग पर्सन बनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपका धंधा एग्जैक्टली चलता कैसे। अब मुझे एक बार बताओ, क्या हर बंदा जो क्लासरूम में बैठा या लेक्चर देख रहा है वो सीए बनेगा क्या? आंसर इज नो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी इट इज ट्रू ना, देखो सच को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन जियोगे तो सही, क्या हो सकता है तुम फ्यूचर में बिजनेस खोलो? क्या बिजनेस के लिए एफएमएसएम की जरूरत है? करेक्ट। अच्छा हो सकता है तुम, अभी देखो छोटा मत सोचो, हो सकता है तुम सीए नहीं बने, तुमने आईएएम से एमबीए निपटा लिया कभी फ्यूचर में, और तुमने कोई अपना स्टार्टअप बना लिया, या फिर तुम किसी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो जिसने कंपनी ने तुम्हें इक्विटी वगैरह दे दी, या फिर थिंक एज सीए एज वेल, तुम किसी कंपनी के सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसका काम क्या है? सजेस्ट करना। तुमको लगता है क्या फाइनेंस सीएफओ बैठ के आप अकाउंटिंग करता होगा, सेल्स डेबिट टू दिस, बैंक क्रेडिट टू दिस, तुमको लगता है करता होगा? टेस्ला का सीएफओ सीए, तुम्हें पता है? नहीं पता तो बता, टेस्ला का सीएफओ जो है वो सीए है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या वो बैठ के अकाउंटिंग करता होगा कि वो आज इतनी सेल्स हो गई है, 10 रुपए की एंट्री मान लेता हूं, नहीं तो सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या वो करता होगा? नहीं करता ना भाई। देखो सुनो, तुम जितना ऊपर जाओगे ना उतना काम कम होगा। मैं अभी बहुत प्यारा इंटरव्यू देख रहा था, मैनकाइंड कंपनी का नाम तुमने सुना होगा, ठीक है, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, पता है उस बंदे ने क्लियर बोला, मुंह पे कुल्ला, जुनेजा जी है, जुनेजा ब्रदर है, आउट ऑफ, हाँ बीयर बाइसेस पे देखा, 30 टॉप 30 रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया में आते हैं, पता है क्या बोलते हैं? उसने पूछा आप क्या काम करते हो, बोले कुछ नहीं, गप्पे मारता हूं हर डिपार्टमेंट में जाके। दिस इज द ट्रुथ भाई, आपका जब लेवल बढ़ता जाता है ना तब आपका काम कम होता जाता है, लेकिन आपका दिमाग का यूसेज और बढ़ता जाता है। अब वो दिमाग का यूज कब करोगे? जब ये करोगे भाई, एक धंधे को कब इक्विटी उठानी है? अनिल अंबानी की गलती पे आते हैं भवन वापस से। अनिल अंबानी ने सर क्या किया, बहुत लोन उठाया, भर भर के लोन उठाया। सर लोन गलत नहीं है, लेकिन सबको समझना भी तो पड़ेगा सर। जैसे एग्जांपल के लिए पिज्जा बर्गर होता है, उतना भी खराब नहीं होता सर, मतलब मैं तो खाता हूं क्योंकि तो मुझे पसंद भी होता है,
तो उतना भी खराब नहीं होता, लेकिन सुबह शाम दिन रात अगर कचरा, आई मीन इसका कचरा बोल दे एक मिनट के लिए, है ना, तो सुबह बर्गर, दिन में पिज्जा, शाम को सैंडविच, अगले दिन सुबह एकदम तला हुआ कुछ, शाम को भी तला हुआ कुछ, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना सर। तो आपको समझना पड़ेगा हर चीज अच्छी है लेकिन एक्सेस किसी भी चीज का खराब है। अनिल अंबानी, मैं सच्ची बता रहा हूं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन, मगर आपके कुछ डिसीजन आपकी जिंदगी खराब कर सकते हैं, एंड वो डिसीजंस के बारे में ही हम एफएमएसएम के अंदर पढ़ रहे हैं। बेटा ओरी का नाम क्यों आया इसमें, मेरे को समझ में नहीं आया। आर्ची मधवानी बोल रही ओरी, मतलब बेटा मुझे नहीं लगता उसके इंटरव्यू से उसको एफएमएसएम कुछ पता होगा, बट जोक्स अपार्ट, बंदे ने दिमाग, देखो लोग उसे बेवकूफ कह रहे हैं, यही उसका दिमाग है। हम देखो अभी उसने ओरी लिया, अपन बात करें कि नहीं कर रहे? अच्छा सबको ओरी पता है कि नहीं पता है? अगर मैं कह देता कोई चमन तो भी तुम पहचान जाते। उसने अपनी इमेज बनाई, ये भी एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है बेटा। सुनो सुनो सुनो, देखो सोच के देखो, तुम फिर बात क्यों करो उसके बारे में? भाई कुछ तो डिस्कशन हो रहा है ना, मतलब आप उसको लाख गालियां दे दो, कुछ तो खड़ा ही है, ठीक है? बट एनीवेज, चलिए समझ में आया क्या पूरा कंसेप्ट, समझ में आया क्या व्हाट इज एसएम, व्हाट इज, मतलब थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लियर हो गया अपन क्या पढ़ने वाले इस पूरे कंसेप्ट चैप्टर के अंदर? क्या सबको क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। अब सुनो ना, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपन अब एक धंधा खोलने की बात करेंगे, ठीक है? काहे का धंधा खोले, थोड़ा बड़ा सोचो, सोचो भाई, अब इतना भी नहीं सोचना है, बोलना भी है, तुम तो सोचने लग गए। एरोप्लेन बनाए, छोटी मोटी बातें नहीं करते यार। अभी मोदी जी ने कहा ना कि कुछ सालों बाद इंडिया में भी एरोप्लेन बनेंगे, अपन कंपनी खोलते हैं। हाँ बहुत सारा काम करना अपने को जिंदगी में, कोई बात नहीं, तो अपन चलो जेडी के नाम से रख लेते हैं यार, ठीक है, नाम में ही सही। अपन जेडी एयरक्राफ्ट कंपनी खोलते हैं, है ना, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा लग रहा है सुनने में, नहीं भी लगे तो भी मन में सोच लो अच्छा है। चलो अब मुझे बताओ, धंधा खोलने के बारे में सोच लिया, मन फाइनल है, बिजनेस खोलना है, चलो बताओ सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? पैसा, कैपिटल, यस और नो? तो अब एफएम में भी ना हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज ऑलवेज द इंट्रोडक्शन, मैं भी आपको एक बर्ड आई व्यू दे रहा हूं, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एफएम और एफएम को अपन कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा चैप्टर शुरू होगा सर? सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग के साथ। सर ये होगा हमारा सबसे पहला चैप्टर, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे सर? इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एंटायरली पैसा कहां कहां से रेज हो सकता है, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। ये चार ही मेथड है और ये चार ही मेथड पढ़ने हमको। सर इसके अलावा कुछ मेथड है? मेथड ही नहीं, तुम सोच के बता दो भाई, बता कोई भी मेथड नहीं। सर बॉन्ड्स डेट का पार्ट है, सर हम लोग कुछ और करेंगे, सारी चीज या तो डेट का पार्ट है, इक्विटी का पार्ट है, प्रेफरेंस शेयर या फिर रिटेन अर्निंग। चलो अब हम यहां पर समझेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रकार से पैसा उठाया जा सकता है, फिर उसके बाद हम आएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पास। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोलता है? अच्छा हर कैपिटल की एक कॉस्ट है कि नहीं है? अच्छा सुनो 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 सुनो, यहां पर ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, सबको लगता है इक्विटी तो फ्री है, इक्विटी में तो पैसा नहीं देना है। अरे बहुत पैसा देना है भाई, देखो अगर तुम कंपनी के लॉस के बारे में सोचोगे तो इक्विटी बेस्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए जितने भी स्टार्टअप है, अभी अभी शायद पेटीएम ने भी 250-300 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया है, हर कंपनी लॉस बुक कर रही है। किसी भी स्टार्टअप का क्रेड के बारे में सुना है? क्रेड, क्रेड तो बता, क्रेड ने एक रुपए कमाने के लिए 750 रुपए खर्चा किए थे, टू हैव द रेवेन्यू ऑफ 1 रुपीज। इसका मतलब पता है क्या? तुम मुझे 1500 रुपए दो, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा, फिर तुम मुझे 1500 रुपए देना, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। टेक्निकली इतना पैसा जलाया है। अब क्या इक्विटी, अच्छा वो डेट इशू कर सकते थे क्या? सर मर जाते, डेट हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनी इशू करती है मैक्सिमम केसेस में। बायजूस ने करके देख लिया क्या हालत है, दुनिया जानती है। आज वो $1.2 बिलियन का लोन चुका नहीं पा रहे भाई, फटी पड़ी है। तो जब तुम्हारे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो तुम चुकाओगे कैसे? मूविंग अहेड सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट है कि नहीं है? Yes, सोचो ना भाई। अच्छा तुमको कोई फ्री में पैसा देगा क्या? बेटा पता है नारायण मूर्ति जी की वाइफ का नाम पता है? सुधा मूर्ति जी।
सुधा मूर्ति जी ने कहा था आई एम द बेस्ट इन्वेस्टर, क्योंकि उन्होंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे इंफोसिस में एंड आज वो $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे बैठे हुए। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, सर वो भी तो पैसा लागत है ना भाई, सुनो ना, आज अगर वो कंपनी डूब जाती तो क्या करते। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर अपन क्या करते हैं, सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर अपन समझते हैं कि हर इक्विटी की कॉस्ट है, हर पैसे की कॉस्ट है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। सर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, अच्छा कितने परसेंट इक्विटी, कितने परसेंट डेट, कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर, कितने परसेंट रिटेन अर्निंग। अरे भाई अगर कंपनी में डेट बढ़ गया तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, अगर कंपनी में इक्विटी बढ़ गई तो कंट्रोल चले जाएगा। आज क्यों कंपनीज के सीईओ का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, है क्या आज की तारीख में किस स्टार्टअप का कंट्रोल है भाई? बायजूस वाले को लगता है किसी भी दिन मेरे को निपटा देंगे, उसका सीईओ कभी भी निपट सकता है, मतलब निपट जाएगा मतलब चेंज हो जाएगा। सैम अल्टमैन इज द बेस्ट एग्जांपल, उसने जिस कंपनी का आइडिया बनाया, जिसने कंपनी को इतना बड़ा किया, लात मार के भगा दिया, बाद में हाथ जोड़ के ले आई, अलग बात है ये मजबूरी थी। लेकिन अच्छा टिम कुक, सॉरी टिम कुक बोल रहा हूँ, कौन था यार एप्पल का, यार जय बेजोस एप्पल का कब से हुआ यार, जय बेजोस था अमेजोन का है ना भाई, अरे वो कौन, अच्छे बाल था, गंजा था थोड़ा सा, स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स को क्या उसकी कंपनी से निकाल दिया था, पता ही नहीं पता तुम लोगों को, स्टीव जॉब्स को उसकी कंपनी से निकाल दिया था। अरे पेपाल बनाई थी इलॉन मस्क ने, हनीमून पे गया था घूमने के लिए, उसकी जिंदगी का हनीमून बना दिया, निकाल दिया भाई हनीमून से। सोच के देखो हनीमून से वापस आया आदमी, क्या अच्छी थॉट प्रोसेस आया होगा, बोले भक्त लात मार के दे। ये सब क्यों होता है, इक्विटी की भी कॉस्ट है सर, आपकी ओनरशिप की वैल्यू है। नेक्स्ट ये सब पढ़ने के बाद अपन डिस्कस करेंगे लेवरेज के बारे में। सर लेवरेज बोले तो अपन बाहर से क्या पैसा कर रहे हैं, हर रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं, उसे अपन लेवरेज की भाषा में जानते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको पूरा समझने में अपने को एक दिन जाता है, थोड़ा सा समझना और इन सब चीजों को अपने को करना है। अच्छा अब सुनो क्या मेरे पास, इसे अपन कहते हैं पार्ट ए ऑफ द एफएम। सर पार्ट ए ऑफ द एफएम मतलब इसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं, मतलब पैसे को, मतलब हिंदी में अगर सीधी तरह से बात करेंगे तो पैसे को लेके आना, प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड्स। सर मतलब पहले पैसा लेके आओ। अब सुनो अपने को क्या खोलना था, जेडीएल ग्राफ खोलना था। अब पैसा आ गया क्या, अरे भैया हमने टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग से कितने तरह से फाइनेंस कर सकते हैं देख लिया, फिर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख लिया कि किसमें कितनी लागत है, हमको पता पड़ेगा रिटर्न अर्निंग कितनी लागत है, डेट कितनी लागत है, प्रेफरेंशियल कितनी लागत है, इक्विटी कितनी लागत है, फिर अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर बना लिया, फिर अपन ने लिवरेज भी बना लिया। अब क्या पैसा आ गया क्या, पैसा तो बहुत आ गया, अपने अकाउंट में पड़े 1,000 करोड़ रुपए, चलो पार्टी करके आते हैं, ठीक है 1,000 करोड़ रुपए पड़े, क्या करना काम करके। वैसे इसके ऊपर भी एग्जांपल कभी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स शेयर करेंगे अपन। एनीवेज तो पैसा बहुत आ गया, पैसा सड़ रहा है अकाउंट में, पड़ा हुआ एकदम, अब क्या करें। सर अब सबसे पहले अपन करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या होता है बेटा, हमें कौन सी चीज को करना है और कौन सी चीज को नहीं करना है। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जितने भी स्टार्टअप है, चलो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 7,250 लोगों ने अपनी जॉब खोई। पता है क्यों खोई, क्योंकि पहले ओवर हायरिंग हुई थी, स्टार्टअप्स ने पहले ज्यादा लोगों को हायर किया था। ये भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है ना। वैसे उसमें एक्चुअली अपन एकदम इंसानों की बात नहीं करते, अपन मशीन्स की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, लेकिन एकदम ब्रॉड वे में सोचने की कोशिश करोगे तो जिन लोगों ने बहुत पैसा एम्प्लॉयज को हायर करके लगाया, क्या उनका डिसीजन गलत हुआ क्या? हाँ सर। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या बताता है, सर यहाँ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, अच्छा टाइम वैल्यू हमने बढ़ाया क्या? पक्का बढ़ाया। उसके अंदर तुमने पढ़ा नेट प्रेजेंट वैल्यू, और वो पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो क्या है, वो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था ना। अरे याद करो क्वेश्चन मॉड्यूल का जो वाला था, दो मशीनें देख रखी थी, एक 10,000 रुपए की, एक 8,500 रुपए की, कौन सी मशीन खरीदे? सर इतना याद तो है नहीं है सर। तुमने एग्जाम अभी दी ना बेटा, जनवरी में, 4 जनवरी में एग्जाम दी ना तुम्हारी, 2 बजे से 4 बजे तक। इसमें भी डाउट है किसी को, अरे हाँ यार होगी सर, वो सर पुरानी बातों को याद मत दिलाओ सर। चलो कोई बात नहीं, कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहली बात क्या है सर, सबसे पहली बात यह कि हम वहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या डिस्कस करते थे, हमें इस धंधे में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सच्ची बता रहा हूं, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द कंसेप्ट ऑफ डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब हम यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस करेंगे, हम वहां पे देखेंगे
कि यार हमें कहां पे पैसा डालना है, कितना पैसा डालना है नहीं डालना है, ये सारे डिसीजन अपन लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर करते हैं। अब देखो पैसा भी आ गया, अब हाथ में खुजली भी बढ़ गई है। क्यों हो, सोचो तो सही, किसी के अकाउंट में 1,000 करोड़ पड़े हो ना बेटा, वो आदमी ने ऐसे उछल रहा होगा। ये इतने स्टार्टअप ने इतनी हायरिंग क्यों करी भाई, एक एक के अकाउंट में 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ पड़ा है, मेरे अकाउंट में पड़ा हो मैं रेंज ओवर की लाइन लगा दूं। सोच के देखो भाई, दैट इज अगेंस्ट डिसीजन मेकिंग, FM के अगेंस्ट है। लेकिन क्या करना ऐसी जिंदगी का जिसमें एंजॉय ना करे। देखो FM पढ़ो, उतना पढ़ो जितना सही है, घुसना नहीं अपने को, ठीक है भाई। कारोबार भी लेनी, क्योंकि कार FM के हिसाब से तो गलत है, बड़े निवेश। फिर अपन यहाँ पे बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की। देखो सर, कितना खर्चा होगा, कहाँ पर कितना अपन मैनेजमेंट करेंगे, हर एक चीज को अपन वर्किंग कैपिटल के अंदर देखेंगे। सर देखो, पैसा आ गया, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज से पैसा आ गया। अब हमने देखा डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां पे कितना पैसा डालना है, क्या करना है। फिर हमारे वर्किंग कैपिटल के ऊपर इसमें सारी चीजें कवर होती है, सारी चीजें इंक्लूडिंग योर ऑल दी ओपेक्स, मान लो ओपेक्स मतलब आपके ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। अभी हो गया, फिर सुनो, जब अपन, अच्छा तुम सबका बेस्ट मैथमेटिक्स 11-12 की क्लास में बैठे हो, पीछे होता है कैलकुलेटर, नहीं तो मोबाइल खोलते हैं, 50 बच्चा बैठा है, एक बच्चे की फीस 10,000 रुपए है ना, ठीक है सर, ओहो चलो एक काम करो, रेंट रेंट हटा दो, चलो इस बंदे की कॉस्ट 10,000 रुपए ही बैठा दो, यार ये तो अभी बहुत पैसा कमा रहा है यार। किया है कि नहीं किया? अगर तुमने नहीं किया तो तुम कॉमर्स वाले नहीं है, जाके आज साइंस में कूद जाना है ना। जिसने ये नहीं किया ना, तुम्हें जीने का हक नहीं है, मैं तो कहता हूं। मतलब जब तक किसी और के पैसे देके, ओ हो ये तो मजा आता है, ऐसा मजा आया कि नहीं। सुनो, जो तुमने सोचा फिर तुम क्या करते हो, मैंने भी यही किया था, तुम्हें पता है, सच्ची बता रहा, 12th में मैं था, मैं कोचिंग जाता था, मैंने कैलकुलेट किया, मेरे हिसाब से उनकी इनकम थी 25-30 लाख रुपए साल की। भाई मैं तो पगला गया, मैंने कहा बस अब जिंदगी में कुछ नहीं करना, अब तो टीचर बनना है। ऑल्दो आई हेट टीचिंग टिल दैट मोमेंट, अब तो खैर ठीक है, घर चलता है ना, जिंदगी उसी से ही है, बट मेरे को टीचिंग से बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने कैलकुलेटर खोला, फिर घर वालों की इनकम देखी, मैंने कहा तो गरीब है, अपने को तो टीचर, अपने को तो यही करना है। अब क्या होता है सर, अपन में एक्साइटेड हो जाते हैं, वहां पर एक कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं रेशियो एनालिसिस। सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसे एक्चुअली में पता क्या कहते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रुथ एंड द इमेजिनेशन। क्योंकि अगर उस आदमी की इतनी इनकम होती ना, मैं आज सोचता हूँ वो एक्टिवा पे तो नहीं घूम रहा होता, ठीक है। वो एक्टिवा पुरानी वाली थी, वो नहीं होती खटारा ब्लू, तुमने देखी नहीं, देखी गोल्डन कलर की एक्टिवा होती थी बहुत पहले, उस एक्टिवा में घूम रहा था वो आदमी। मेरे को लगता था होगा कंजूस, बाहर नहीं पता पड़ा, इतना पैसा नहीं है वैसे, बट कोई बात नहीं, मूविंग है। सर क्या हुआ, पहले हम पैसा लेके आए, फिर हमने पैसे को इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, फिर हमने वर्किंग कैपिटल भी कर ली, देखो छोटे मोटे गरीबों को पैसा बांटना तो भी बांट दिया, फिर अपन ने रेशियो एनालिसिस भी कर दिया, आखिरी में क्या बचा सोचो यार, धंधा हो गया, पैसा आ गया, धंधा हो गया, धंधे के बाद क्या होता है, प्रॉफिट। अरे भाई धंधा करते क्यों है, पैसा, जिंदगी में क्या चाहिए, तुम सीए क्यों बनना चाहते हो, वेरी गुड, ये सच था ये सच था, अगर किसी ने बोला होता कोई और रीजन, मां कसम। देखो रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है, नो डाउट, जितनी इज्जत इस देखो कॉमर्स फील्ड का तो इससे अच्छा है ही नहीं, लेकिन इंसान किसके लिए आता है, तुम सच बोल रहे हो, आई लाइक इट, पहली बार किसी ने सच बोला होगा, तुम बेशरम हो या क्या है ये सोचने वाली बात है, ठीक है, हो सकता है तुम गलत हो। तो फिर पैसा आ गया, इसके बाद अपन करेंगे डिविडेंड डिसीजन। सर डिविडेंड डिसीजन मतलब पैसा बांटना है नहीं बांटना है, क्या करना है। अब देखो ऐसे में कुछ कंपनियां आती है, महान कंपनियां जिन्हें सल्यूट है, जिसका नाम है वेदांता, नाम सुना है क्या कभी, वेदांता ग्रुप, पता है वेदांता ग्रुप का लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 14,000 करोड़ रुपए, पता है डिविडेंड कितना बांटा, 40,000 करोड़ रुपए, दैट्स अ पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। भाई कंपनी का प्रॉफिट नहीं है जिस तरह, तो अच्छा यही तो बात है, और लोग पता है, अच्छा फिर भी शेयर बढ़ रहा है, शेयर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा डिविडेंड कैसे मिल रहा है सर, पुरानी एसेट से अभी तुम पढ़ोगे तो यूके मन की सब्सिडरीज थी वो बेची, ठीक है। अरे लाला करेंगे अपन कल डिस्कस करेंगे, आज भी मेरे को कुछ एक्सेल शीट खोलने की इच्छा थी पर आज खोल नहीं पाए, समय थोड़ा कम था, एक घंटा तो शुरू होते ही खत्म हो गया, 50 मिनट तो यार, ऐसे आप खड़े मत रहो यार,
आप बैठ जाओ सर, थोड़ा अभी बैठो बैठो, पैसे नहीं है, वाह भाई, चलो कहाँ से पूछना बताओ मेरे को। सो कमिंग टू द पॉइंट, डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? सर डिविडेंड डिसीजन बहुत सिंपल। अच्छा अब तुम्हारे मन में एक सवाल आया क्या, सर 14,000 रुपये का प्रॉफिट है, 40,000 करोड़ बांटा, ये तो पागल आदमी है। नहीं है, 67% शेयर होल्डिंग किसके पास है? फाउंडर के पास। तो बेटा 40,000 करोड़ का 67% किसके अकाउंट में आया? भाड़ में ले दुनियादारी, अपना पैसा बनना चाहिए, समझ रहे क्या? देखो अब ऐसी कुछ कंपनियां हैं, लेकिन ऑन दी सेम हैंड पे बहुत अच्छी कंपनियां भी है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है। अच्छा जस्ट एक लास्ट चीज, तुम्हें क्या लगता है ज्यादा प्रॉफिट कौन बना रहा है, रिलायंस या SBI? रिलायंस, बट ऑब्वियसली बात है, यही तो देखो गलत है, यही FM है बेटा, ऐसे हवा में मत चलो। रिलायंस का लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 44,000 करोड़ रुपीज, गरीब लोग। SBI का प्रॉफिट है 50,000 करोड़ रुपए। बेटा SBI ने जो वो टैक्स दिया ना वो 16,000 रुपए का दिया, रिलायंस ने दिया 11,000 रुपए का, गरीब लोग है ना। देखो उनको गरीब बोलने से खुशी मिलती है। सोच के तो देखो अपन रिलायंस गलत छी, छोटे लोग हैं भाई, जो अंदर सेटिस्फेक्शन आता है ना, बट वो रियलिटी में होना चाहिए तो अच्छा लगेगा। बट मूविंग है, एनीवेज समझ में आएगा कंसेप्ट। लास्ट चीज बात है सर, एक मिनट था, समझने की कोशिश करो सर, एक कंपनी इतना डिविडेंड बांट रही है, ये हमें यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन के अंदर पढ़ना पड़ेगा ना भाई, कि हमें इतना डिविडेंड बांटना है कि नहीं बांटना है। सर मन से थोड़ा डिविडेंड बांट सकते हैं, 3 साल से मुकेश अंबानी ने पैसा नहीं लिया है, 3 साल से 1 रुपए का सैलरी विड्रॉ नहीं किया 3 साल से, लेकिन सर डिविडेंड 3,000 करोड़ रुपए का लिया ना, लेकिन समझदार आदमी है ना। सर अड्डानी के ऊपर जितना लोन है ना उससे थोड़ा सा ही कम, मतलब अड्डानी के ऊपर 2,30,000 करोड़ का लोन है, रिलायंस के ऊपर 2,15,000 करोड़ का लोन है, लोन में से 15,000 करोड़ का फर्क है, लेकिन रिलायंस 1 साल में 44,000 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट बनाता है टैक्स बांटने के बाद, अड्डानी इसके आसपास भी नहीं। तो अब अच्छा यहां पर शेयर में अर्निंग पर शेयर होता है, ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं पता होता, ठीक है नहीं बताऊ, EPS होता है अर्निंग पर शेयर, PE रेशियो होता है, मैं जब भी इन्वेस्ट करता हूँ PE रेशियो देखता हूँ, ये सब हमारे कोर्स का पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि आओ सर शेयर मार्केट सीखेंगे, सर आओ सर सर शेयर, ऐसा नहीं होने वाला, हम लोग शेयर को इतना डिस्कस नहीं करने वाले, बट वेरी सिंपली वी आर गोइंग टू टेक इन टू डीप, जितना जरूरत है उतनी हर चीज को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत समझ के साथ आई जाएगा, समझ में आएगा थोड़ा सा, ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, आई नो थोड़ा अवॉइडेड है, बट सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सर। देखो मैं अकाउंट्स और कॉस्ट वाले के सामने बोल रहा हूँ ये बात। सर है कि नहीं है? देखो वो बोले रुको, अभी मैं हाँ बोल रहा हूँ, बाद में क्यों लूंगा है। चलो तो आज के लिए इतना, आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, चलो बाय, आई होप थोड़ा मजा आया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा सब्जेक्ट अगर मैं समझ में आया, बाकी थोड़ा कल चलेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय।